यू नो वो बिजी है, दिलवाले के साथ वो बिजी है, इसलिए वो आज यहाँ पे हमारे साथ नहीं है. और उनकी एनर्जी को मैं और रेमो सब बहुत मिस कर रहे हैं. तो वरुण, वी आर मिसिंग यू टुडे. और बहुत ही स्पेशल रहा है हम सबके लिए, टीम एबीसीडी 2 के लिए, इंडियन स्टनर्स के लिए बहुत स्पेशल रहा है. मैं, रेमो सर, वरुण, रेमो सर्स वाइफ लिजेल, हम गेटी गए थे रिएक्शंस देखने. तो रेमो सर ने कहा कि चलो, यू नो, रेमो सर और वरुण ने कहा कि चलो लेट्स गो, विल यू कम. सो आई सेड बिल्कुल मैं आना चाहूँगी. पहले कभी मैं गेटी नहीं गई हूँ, वो रिएक्शंस देखने कभी नहीं गई थी. और जो जिस तरीके के रिएक्शंस देखे हमने, हम गए लास्ट रो में बैठे, और जब वो बबल्स का सीक्वेंस आता है, जैसे लोग हंसते हैं, गणपति बापा मोरिया, जब मैं बोलती हूँ कैसे सब, बेसिकली क्राउड जो था बहुत इंजॉय कर रहा था, बहुत फिल्म को, एबीसीडी 2 को इतना सब इंजॉय कर रहे थे. तो वो देख के बहुत बहुत मजा आया. जो हमारे डांसिंग स्टार्स है फिल्म के, राघव, सुशांत, धर्मेश, पुनीत, सब सारे जो स्टार्स है, लॉरेन, सबके लिए इतनी तालियां बजी, सीटियां बज रही थी. तो वो देख के बहुत, मतलब बहुत अच्छा मजा आ गया. जैसे हमने मजे किए ऑन सेट, ऐसा लगा कि कुछ बनाया वो सफल हो गया. जी, मैं झलक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं रियलिटी शो नहीं कर रहा हूँ. मैं एक और एक नया शो कर रहा हूँ जो कि स्टार प्लस में आने वाला है, बहुत जल्द पता चल जाएगा. और उसका जो फॉर्मेट है मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने वो अलग कर रहा हूँ. और फिल्म तो खैर मैं डायरेक्ट कर ही रहा हूँ, और रियलिटी शो में भी देखेंगे आप. लेकिन आप खुद कोरियोग्राफर हैं तो जब हम एबीसीडी 2 प्रमोट करे थे, जब लोगों ने ट्रेलर्स देखे तो लोगों ने बहुत सारा डांस देखा, और वो इंटरेस्टेड थे कि यार ये इंडियन स्टनर्स की जर्नी क्या है. तो लोग बहुत रिएक्ट कर रहे हैं, जो हमारी फिल्म का जो पेट्रियोटिक एंगल है, इमोशंस है, जर्नीज है. तो आई थिंक द बेस्ट थिंग इज दैट पीपल हैव कनेक्टेड स्टोरी के साथ, बहुत लोगों ने कनेक्ट किया है कैरेक्टर्स के जर्नीज के साथ. विनोद हो या राघव हो या वर्नन हो या अपना डी हो, तो सब बहुत कनेक्ट करें जर्नीज के साथ. तो आई थिंक कि द वे दैट पीपल आर गिविंग आर फिल्म सो मच लव, वो बहुत ही कमाल का है. पर सर, इफ यू वांट, बट आपके सवाल का जवाब मैं देना चाहूँगा. शायद आपने मेरी पहली फिल्म नहीं देखी है इसलिए ये सवाल किया है, क्योंकि मेरी पहली फिल्म डांस फिल्म नहीं थी, एजुकेशनल फिल्म थी. जी नहीं, ऐसा नहीं है. अगर गुड कमांड होती तो शायद मैं पहली वो फिल्म करता, मैं डांस फिल्म करता, लेकिन मैंने डांस फिल्म नहीं की, क्योंकि लोग यही कहते हैं कि अरे कोरियोग्राफर है तो डांस फिल्म तो कर ही लेगा ये. अच्छा, तो इसलिए मैंने पहली फिल्म वो की जो बिल्कुल डांस का लेना देना नहीं था उसमें, और वो फिल्म चली, थैंक यू ऑडियंस. और ये दो फिल्म भी चली है, सिर्फ डांस की वजह से नहीं चली है. फिल्म की स्क्रिप्ट अच्छी थी, लोगों को स्टोरी पसंद आई है, तो ही चली है, नहीं तो कोई फिल्म सिर्फ डांस पे नहीं चलती है. मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत, आपको अंदाजा नहीं है मैं कितना खुश हूँ. मैं इनफैक्ट पूरी टीम इतनी खुश है कि जिस तरीके से कलेक्शन है, मेरे प्रोड्यूसर बहुत खुश हैं, एक्टर्स मेरे बहुत खुश हैं, मेरी पूरी टीम खुश है, एंड आई एम लाइक रियली वेरी हैप्पी. हम सब उछल रहे, खुशी से उछल रहे. इस फिल्म से पहले श्रद्धा और वरुण बड़े स्टार्स हैं, लेकिन जो पार्टिसिपेंट्स हैं जी, उनको आपने मौका दिया, तो वो कितना आपको एक, मतलब तसल्ली मिलता है, क्योंकि आप एक गॉडफादर, एक मेंटर बने उन लोगों के लिए. जी, बहुत बहुत तसल्ली मिलती है. मैं किसी का गॉडफादर, किसी का मेंटर नहीं हूँ. मैं सिर्फ एक राह दिखाता हूँ उन लोगों को जो टैलेंटेड है, उनको एक राह दिखाने की कोशिश करता हूँ. उसमें वो उनकी मेहनत दिखती है, और जिस तरीके से उन लोगों ने मेहनत की है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बाहर आके लोग बोलते हैं कि यार वरुण और श्रद्धा तो ठीक थे, लेकिन मुझे पुनीत बहुत पसंद आया, मुझे धर्मेश बहुत पसंद आया, तो उससे मुझे बहुत खुशी होती है. लाइक एक बाप को जब खुशी मिलती है कि उनके सारे बच्चों की तारीफ होती है, तो वैसी खुशी मिलती है. और रेमो सर के पास कितने सारे बच्चे हैं? बहुत सारे. और मैं और वरुण न्यूएस्ट बच्चे हैं. सही है, मेरे दो नए बच्चे.
रिमो, इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, या फिर एबीसीडी 2 का कोई फ्रेंचाइजी कुछ आगे? फिलहाल मैं एबीसीडी 2 जिस तरीके से लोग रिएक्ट कर रहे हैं उसी में बहुत खुश हूँ और उसी में थोड़े दिन रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस जिन्होंने 2D देखी है वो जाके वापस 3D में देखें, और जिन्होंने 3D देखी है वो वापस जाके 2D में देखें। सो जितना आप प्यार देंगे उतना ही मुझे सपोर्ट मिलेगा और मैं इसके फ्रेंचाइज बनाता रहूँगा। एबीसीडी 3 भी आएगी, एबीसीडी 4 भी आएगी। यस यस सर, बॉल आपके कोर्ट में है, आप डिसाइड करने आपको डिसाइड करना पड़ेगा। पर आज रेमो सर आज रात को एक्चुअली जा रहे हैं दिलवाले के शूट के लिए वरुण के साथ। मैं चाहती हूँ कि ये नहीं जाए क्योंकि एबीसीडी 2 के लिए हमने एक महीने के लिए प्रमोट किया, तो बहुत अजीब लग रहा है कि एक तो वरुण यहाँ पे नहीं है, अब रेमो सर और वरुण दोनों। एक्चुअली मैं और वरुण वहाँ पे, तो आई थिंक यू शुड आई थिंक इवन आई शुड कम। या दिलवाले में एक न्यू एंट्री। थैंक यू सो मच एंड ऑल द संतोष कम लाइट। हाँ लाइट है। बहुत बहुत बधाई आप। थैंक यू। सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई आपकी फिल्म के लिए, सबको काफी पसंद आ रही है फिल्म, तो क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस के लिए फिल्म को पसंद करने के लिए? मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप सब जो हमें इंटरव्यू करने आए हैं, आप सब लोगों ने देखी है? जी मैंने तो देखी है। वेरी गुड। तो दैट इज वॉट आई थिंक कि ऑल ऑफ यू हैव कम टू इंटरव्यू अस, इट्स वेरी गुड कि आप लोगों ने भी देखी है। तो आपको पता चलेगा कि फिल्म, आपको पता होगा कि फिल्म कैसी है, फिल्म किस चीज़ के बारे में है, क्या एक्सपीरियंस है। तो रेमो सर, बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और जिस तरीके से लोगों ने मुझे SMS किया और जिस तरीके से लोगों ने इस फिल्म को प्यार दिया है, आई थिंक बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और स्पेशली बच्चों ने जिस तरीके से रिएक्ट किया है इस फिल्म में, और नॉट इवन बच्चे बट एल्डर लोग भी, जितने लोगों ने देखी पिक्चर में, बहुत बहुत प्यार दिया, उनको बहुत अच्छी लगी है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने कुछ फिल्म बनाई है, जिनके लिए बनाई है उनको पसंद आ रही है। सो आई एम वेरी हैप्पी। रेमो, कहीं ना कहीं जो है श्रद्धा और वरुण को इस पिक्चर में कास्ट करने का जो आपका प्लान था वो सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पहले श्रद्धा और वरुण को डांस करते हुए किसी ने नहीं देखा था, तो क्या कहना चाहेंगे आप, कुछ सक्सेस होता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल, जब मैंने कास्ट किया था दोनों को तो काफ़ी सारे लोगों ने क्वेश्चन उठाया था। इनफैक्ट मेरा भी, जब श्रद्धा के लिए मेरा भी, जब मैंने नहीं देखा था इनको डांस करते हुए, लेकिन जब पहली बार मुझे पता है कि श्रद्धा को लेते हैं, तो मेरा भी वही क्वेश्चन रिएक्शन था जैसे लोगों का था, वैसे रिएक्शन था। लेकिन जो कर दिखाया इन्होंने इस फिल्म में, वो एक चौंका देने वाला था, सरप्राइज़ कर दिया सबको। और वो सरप्राइज़ इतनी अच्छी तरीके से निकल के आएगा वो मुझे नहीं पता था, लेकिन लोगों ने इतना प्यार दिया है, स्पेशली श्रद्धा को, कि इनकी डांसिंग स्किल को, जो मैं बहुत खुश हुआ कि लोगों ने भी बहुत पसंद किया। आपका क्या रिएक्शन था जब आपको ये फिल्म ऑफर की गई? एक्चुअली इसके मैं एक चीज़ कहना चाहती थी कि हम वरुण को बहुत मिस कर रहे हैं आज। वरुण जो है